सब्सक्राइब करके कंटिन्यू बजाओगे ते तोही मोही चैनल नाल कैसरा जुड़ोगे ते प्रेस करो कंटी। नमस्कार, औरत कौन है? औरत कोमल हड्डी की मांस हाथ का बना पुतला या करुणामयी भावनाओं से भरी औरत? औरत बेटी है, माँ है, पत्नी है, बुआ है, दादी है, नानी है, काकी है, चाची है, बहुत रिश्तों को जोड़ती है औरत। रिश्तों का मकड़ जाल है औरत। अगर इस सृष्टि में औरत ना हो तो क्या हम सृष्टि की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले औरत की बहुत दयनीय स्थिति थी। औरत को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता था। धीरे धीरे समय बदला, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, धीरे धीरे समय बदला, औरत की स्थिति भी बदलती रही। सीता माँ ने परीक्षा दी, अग्नि परीक्षा दी, राधा, मीरा, द्रौपदी, मेनका भी हुई है औरत, जिसने ऋषि मुनि की तपस्या भंग की थी। बहुत नौ दुर्गा, चंडी, सती माता, बगलामुखी, बहुत देवियां हुई हैं हमारे इस पृथ्वी पर। औरत जहां कमज़ोर मानी जाती थी, वहीं नौ दुर्गा का रूप भी है औरत। औरत क्या नहीं कर सकती? अगर वो करुणामयी, ममता भरी छाँव में बच्चों को पोषित करती है तो वो चंडी रूप बनकर जो है राक्षसों का वध भी करती है। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं। उन्होंने लिखा था तकरीबन 50 साल पहले, अवला नारी तेरी यही कहानी, अवला नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में पानी। बहुत स्थिति खराब थी पहले औरत की। सती प्रथा थी, पति जलता था, साथ में औरत को बैठ के सती होना था, बाल विवाह, बहुत सारी कुप्रथाएं थी। मगर धीरे धीरे समय बदला और कुप्रथाएं जो है ख़त्म होती रही। औरत को जो लोग दूसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं, मुझे उनकी मानसिकता पर हंसी आती है। कुछ लोग तो आज भी औरत को पैर की जूती समझते हैं। क्या वो पैर की जूती है? नहीं। अगर औरत ना हो तो सृष्टि की कल्पना करना संभव है? औरत बनाती है। अगर आप उसको कच्चा राशन तो बना के, पका के, भावनाओं से भरा भोजन बनाती है, पकाती है, बुनती है, बांधती है, रिश्तों को जोड़ती है, बहुत बहुत कुछ करती है। उर्दू के मशहूर शायर साहिल रिधवानवी की एक नज़्म मुझे याद आती है, जो शायद फिल्म औरत से ली गई है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा कुछ ला मसला, जब जी चाहा दूत कार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। तो कवियों ने, शायरों ने, स्थिति बदलती रही, औरत का अलग अलग रूप जो है बयां किया। औरत आज, औरत कहाँ है? औरत आज चांद पे पहुंच रही है, पायलट है वो। क्या हम कल्पना चावला को भूल सकते हैं? महारानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, बहुत बड़ी बड़ी महान आत्माएं जो हैं इस पृथ्वी पर जन्मी औरत के रूप में। सिख इतिहास में माता गुजरी जी का स्थान
बहुत उच्च है। तो औरतों का स्थान कुछ कुंठित लोगों की वजह से औरतों को दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं मान सकते हम। शहरों में स्थितियां बदली, आज आदमी के साथ कंधे से कंधा लगा के औरत कमाती भी है, बच्चे भी पालती है, सब कुछ करती है। मगर जो हमारा कई परसेंट जो है, 50% से अबव जो है, हमारा जो जनता है वो गांव में बसती है, आज भी बाल विवाह जो कि कानूनन अपराध है, आज भी जो है धड़ल्ले से ईस्टर्न यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा में जो है हो रहा है। आज भी जो है बच्चियों के साथ में जो है रेप किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चियों को बख्शा नहीं जा रहा। औरत आज भी दहेज के लिए जलाई जा रही है। औरत सब कुछ छोड़कर नए घरों में, नए रिश्तों में बांधती है, जोड़ती है, तो आप उसको कैसे जला सकते हैं? चंद रुपयों के लिए, चंद संसारिक चीजों के लिए आप औरत को जला देंगे? आप औरत को मार देंगे? प्यार में नाकाम आशिक जो है औरत के मुंह पे तेजाब डाल रहा है। क्या हो गया इस संसार को, इस समाज को? औरत को इतनी सस्ती वस्तु समझ रखा है। औरत जो है घरेलू हिंसा का शिकार होती है। आदमी शराब पीते हैं, दूसरी औरतों के पास जाते हैं, औरतों को पीटते हैं, मारते हैं, बेचारी मजबूर होकर जो है काम करती हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जो है औरत जो है बाहर घर का भी संभालती है, बच्चा भी पैदा करती है। 9 महीने पेट में रख कर जो औरत बच्चे को जन्म देती है, वही बच्चे अपनी माँ को भूल कर उसको जो है वृद्धा आश्रम छोड़ आते हैं। आज देखिए हिंदुस्तान में कितने तेजी से वृद्धा आश्रम जो है बढ़ रहे हैं। क्यों? शादी कर दी, अपनी बहू आ गई, अपने परिवार में मस्त, बूढ़े माँ बाप की क्या जरूरत है, छोड़ दो। क्या औरत हमेशा सदियों से पिसती रहेगी या समय बदलेगा? मैं शहरों की बात नहीं कर रही, गांव की बात कर रही हूँ। रेप होते हैं, कुछ लोग सामने आते हैं, कुछ परसेंट तो पता ही नहीं चलता है, कहीं कुछ नहीं बताते। क्या इंसाफ मिलता है? कितनों को इंसाफ मिला है? मिलता है नहीं, क्योंकि हमारे जो कानून व्यवस्था है, कई साल लग जाते हैं इंसाफ मिलते मिलते। तो हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ, औरत की कदर करो, औरत को समझो, उसके अंदर भी ईश्वर की ज्योत है, उसे दूसरे दर्जे का प्राणी मत समझो। अगर औरत नहीं होगी तो संसार नहीं चलेगा। कितनी कहानियां हुई हैं, अगर लैला नहीं होती तो मजनू का कोई अस्तित्व नहीं होता, हीर नहीं होती तो रांझे का कोई अस्तित्व नहीं होता, जूलियट नहीं होती तो रोमियो की कोई बात ना करता। तो इसलिए ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं जो बराबर चलते हैं, तभी सृष्टि चलेगी। इसलिए औरत को इज्जत करना सीखो और उसे सम्मान दो। इतनी सी बात मेरी, सुनो, समझो और विचार करो। नमस्कार।